जिले की बदनावर में आज मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंचने वाली है। इस यात्रा को कांग्रेसियों की ओर से काले झंडे दिखाने की योजना बनाई थी, जिसकी सूचना पुलिस को सूत्रों के हवाले से मिली थी, जिस पर धार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिला कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक सिंह टिंकू बना और इसके अन्य 8 साथियों को हिरासत में लिया है और पुलिस ने इसके पास से काले झंडे भी बरामद किए हैं। ये सभी मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा को बदनावर के बड़नगर मार्ग पर काले झंडे दिखाने की तैयारी में थे। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई के बाद जहां कांग्रेस सतर्क हो गए, तो जिला प्रशासन भी जन आशीर्वाद यात्रा की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम करने जुटे गए हैं। संवाददाता अमरीश शर्मा की रिपोर्ट। शिवराज सरकार तेरी तानाशाही, शिवराज सरकार। हाँ मोबाइल बंद करो, चलो। अरे मेरे पास गाड़ी है, मैं तो। हाँ नहीं बेटा, गाड़ी बेटा, मेरे पास गाड़ी खड़ी है यार। रोड बनाना है, रोड बनाना बात पहुँचाना। विधायक है।